मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं समेत जन प्रतिनिधियों की बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, बुधनी विधानसभा उपचुनाव प्रभारी जयवर्धन सिंह ने बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा की। मुद्दों समेत ग्राउंड जीरो पर उतरने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। बुधनी सीट को लेकर हुई बैठक पर पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि चुनाव की तारीख भले ही घोषित न हुई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी बैठ के करके तैयारी में जुट गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को उनके पार्टी द्वारा अब केंद्र सरकार में एक बड़ा दायित्व मिला है, और क्योंकि बुधनी विधानसभा की सीट अब रिक्त हो चुकी है, संभावना है अगले कुछ निकट भविष्य में वहाँ पर भी उपचुनाव किए जाएंगे, लेकिन ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की सक्रियता है कि चुनाव घोषित होने से पहले ही लगातार बुधनी विधानसभा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बैठकें प्रारंभ कर ली हैं। मेरे साथ शैलेंद्र पटेल जी को प्रभारी बनाया गया है, और हम अब तक वैसे ही दो बार हमारे वहाँ बैठक हो चुकी हैं, और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि सिर्फ बड़े कस्बों में नहीं बल्कि गांव-गांव में जाकर, पंचायतों में जाकर हम जनता से संवाद करेंगे। क्योंकि आज अगर हम बात करें बुधनी विधानसभा की भी, तो ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिनके कारण आज वहाँ का किसान भी आक्रोशित है, युवा भी हताश है, और अनेकों ऐसे मुद्दे हैं विकास कार्यों को लेकर कि जिस विधानसभा क्षेत्र से 17 साल सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता में आक्रोश है। उदाहरण के लिए अभी रेलवे लाइन का काम चालू होने वाला है, लेकिन उसमें ही किसानों को ज़मीन के बदले जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए है वो नहीं मिल पा रहा है। अभी तक मूंग की फसल का उपार्जन चालू नहीं हो पाया है ठीक तरीके से। अनेकों ऐसे किसान बुधनी विधानसभा में हैं जिन्होंने कर्ज लिया था लाखों रुपए का, और जितना कर्ज लिया था उतना ही उनको ब्याज के रूप में अतिरिक्त दिया जा रहा है वसूली के लिए, और ये उसी क्षेत्र की बात है जहाँ के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 17 साल दावे करते रहे कि उनके कार्यकाल में किसानों को 0% ब्याज पर ऋण दिया गया। वही स्थिति ऐसी आ रही है कि किसान को अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर उतना ही ब्याज जब दिया जा रहा है, मतलब 100% उस पर उनको ब्याज इंटरेस्ट मिला, जिससे कारण आज भी किसान आज हताश है, परेशान है बुधनी विधानसभा में। तो ऐसे और अनेकों मुद्दे हैं जो हम जनता के बीच जाकर मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन मूल बात है कि कांग्रेस पार्टी की एक ही सोच है कि बुधनी विधानसभा के मतदाता का हमको पुनः विश्वास प्राप्त करना है, जीतना है, और आगे उनके लिए काम करना है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के विदिशा लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद बुधनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते ये सीट रिक्त घोषित हुई है। फिलहाल उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है।